हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम देखते हैं एमपी स्पेशल का 13वां पार्ट। ठीक है, इसमें देखेंगे वन संपदा और वन्य जीव से संबंधित है ये टॉपिक। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति आई जो 1952 में आई थी और दूसरी आई थी 2005 में। ठीक है, आपको बताते हैं मध्य प्रदेश वन प्रशासन को वन बृहत 16 वन बृहतों में बांटा गया। ऐसे वन मंडल में 62 उप वन मंडल हैं, 473 और परिच्छेद हैं 1181 71 सॉरी परिच्छेद सहायक वृत्त हैं 8286। अब बता देख लेते हैं वन वृत्त, इसका प्रमुख होता है जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक। सर्वाधिक बड़े वन वृत्त हैं जो खंडवा जबलपुर और रीवा में हैं। आपको बता रहे हैं जबलपुर में इमारती लकड़ी मिलती है। सबसे छोटे वन वृत्त हैं होशंगाबाद इंदौर बैतूल में। सर्वाधिक आरक्षित वन है खंडवा में, यहाँ लकड़ी की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध है। और न्यूनतम आरक्षित वन है छतरपुर में। अब वनमंडल देखते हैं, तो वनमंडल का अधिकारी होता है वनमंडल अधिकारी। सर्वाधिक बड़ा वनमंडल है मंडला जबलपुर में, वो वन आवरण क्षेत्रफल में है। अधिकतम बालाघाट छिंदवाड़ा सीधी में और न्यूनतम है शाजापुर उज्जैन रतलाम में। प्रतिशत सर्वाधिक वन मंडल प्रतिशत में देखें तो सर्वाधिक है बालाघाट शिवपुर उमरिया और न्यूनतम है शाजापुर उज्जैन रतलाम। वन वर्गीकरण की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको बताऊं है कि उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और वनों को भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इसमें के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। कछित होता है इसमें सागौन शीशम नीमच पीपल इसके प्रमुख वृक्ष हैं। ये पाए जाते हैं जबलपुर सागर छिंदवाड़ा दमोह छतरपुर पन्ना सिवनी होशंगाबाद। दूसरा है भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, इसके लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसमें जो वृक्ष हैं साल सागौन बांस बांस बीजा कसाई तिनसा जामुन महुआ सेजा हर्रा, ये पाए जाते हैं बालाघाट मंडला सीधी शहडोल में। तीसरा है उष्ण कटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन, इसके लिए 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें बबूल हर्रा पलाश तेंदू शीशम हल्दू सागौन शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये श्योपुर शिवरी रतलाम मंदसौर टीकमगढ़ दतिया खंडवा तक। अब प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर देख लेते हैं संरक्षित वन इसमें। ठीक, संरक्षित वन है जो कुल है 32.8%। शासन का पूर्ण नियंत्रण रहता है इसमें। यहाँ पशु चारण लकड़ी काटना पूर्णतः निषिद्ध बंद रहता है यानी कि। दूसरा है प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर आरक्षित वन, ये 65.7% है। यहाँ लाइसेंस प्राप्त करने के बाद लकड़ी की कटाई की जा सकती है। तीसरा है हमारे वर्गीकरण के आधार पर अवर्गी अव अवर्गीकृत वन, 1.8% है। पशु चारण लकड़ी कटाई यहाँ होती है की जा सकती है। विभिन्न वन देख लेते हैं। ठीक है, पहला है सागौन। सागौन को बता दें वनस्पतिक नाम है इसका टिकोना ग्रांडिस ग्रांडिस। ये मध्य प्रदेश के कुल वनों में 27.8% क्षेत्र पर पाया जाता है कुल क्षेत्रफल पर। मध्य क्षेत्र में पाया जाता है होशंगाबाद बोरीघाटी जबलपुर बैतूल सागर छिंदवाड़ा मंडला। साल है दूसरा वृक्ष, ये दूसरे नंबर पर है 16.54% क्षेत्रफल पर। इसका वनस्पतिक नाम है जो सूरी या रोबस्ता रोबस्ता। ये पूर्वी मध्य प्रदेश में पाया जाता है मंडला बालाघाट सीधी शहडोल में। अब बांस की बात करते हैं, इसे डेंडो कैलेमस कहा जाता है वनस्पति नाम है इसका। ये बालाघाट बैतूल जबलपुर सिवनी मंडला सागर भोपाल में पाया जाता है। तेंदू पत्ता की बात करें तो ये उत्तरी मध्य पूर्वी जिलों में पाया होता है सागर टीकमगढ़ छतरपुर भोपाल शहडोल रीवा सीधी शहडोल में। आपको बता दें मध्य प्रदेश में तेंदू पत्ता से संबंधित 260 बीड़ी के कारखाने हैं। खैर अगला है, ये गुना से ऊपर शिवपुरी जबलपुर सागर दमोह उमरिया होशंगाबाद में मिलते हैं।
कत्था बनाने के कारखाने हैं शिवपुरी बालिया मुरैना में, ठीक है। अगला है हमारा हर्रा। हर्रा एक बहुउपयोगी फल होता है, इसमें 35 से 40 टैनिंग पाया जाता है। ये छिंदवाड़ा, जबलपुर, श्योपुर, बालाघाट, शहडोल, बैतूल, पन्ना, सिवनी, मंडला, सतना, होशंगाबाद में मिलता है। अगला लाख, एमपी थर्ड नंबर पे लाख में, झारखंड पहले नंबर पे और छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे। इसमें लाख में पलाश, कुसुम, बेर, अरहर पौधों से प्राप्त होता है। छिंदवाड़ा, जबलपुर, श्योपुर, बालाघाट, शहडोल, बैतूल, पन्ना, सिवनी, मंडला, सतना, होशंगाबाद में इसका उत्पादन होता है। गोंद की बात करें तो ये बबूल सलाई से प्राप्त होता है। ये झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, रतलाम में उत्पादन होता है। बिहलावा ये बहुउपयोगी होता है, इससे स्याही, पेंट, औषधि भी बनाई जाती है। छिंदवाड़ा में इसका कारखाना है। महुआ की बात करें तो महुआ के फूल होते हैं, उससे शराब के काम आते हैं, औषधि भी बनाई जाती है। ये पूर्वी के जिलों में, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में पाया जाता है। ये वृक्ष मध्य प्रदेश के वनों से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। वन अधिनियम आया 1927 में। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल 94,689 वर्ग किलोमीटर, कुल 30.72% क्षेत्रफल पर है। राज्य वन विकास निगम कंपनी अधिनियम आया 1956 में। राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल में 24 जुलाई 1975 को इसकी स्थापना हुई। आपको बता दें मध्य प्रदेश की जीडीपी में 1.57% वनों का आय का है। अनुसंधान एवं विस्तार व्यर्थ हैं जो भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, इंदौर, खंडवा, झाबुआ, रतलाम, सिवनी, बैतूल में है। वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना मध्य प्रदेश में चलाई गई थी। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कुल क्षेत्रफल है इसका 10.99 हजार वर्ग किलोमीटर, इसमें वन क्षेत्र है 9.12 हजार वर्ग किलोमीटर। चलिए अब अगला देखते हैं। अक्टूबर 2016 में साल बीच को राष्ट्रीय के वनोपज बनाया गया। इसमें 925 वन ग्राम है मध्य प्रदेश में, जिसमें से 58 वन ग्राम राष्ट्रीय वन उद्यान अभ्यारण्यों में है। वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार वन आच्छादन का 11.22% है। प्रादेशिक वन स्कूल है जो शिवपुरी में है मध्य प्रदेश में। वन पहरेदारों की ट्रेनिंग होती है जो बैतूल, रीवा में भी होती है। यहाँ वन विकास निगम 1975 में इसकी स्थापना हुई और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1976 में है। सामाजिक वन की योजना 1976 में आई। वनों का राष्ट्रीयकरण बता दें मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 में किया था। तेंदुपत्ता का सर्वप्रथम हुआ था जो 1964 में, बांस का 1973 में, सालवीज का 1975 में, तेंदुपत्ता नीति आई जो 1968 में आई है। अब वन संरक्षण योजनाएं देख लेते हैं मध्य प्रदेश में। पहली है पंच वन योजना, ये 1976-77 में आई वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। दूसरी है लोक वन की योजना, 1999 आई थी निजी स्वामित्व वाले जमीनों पर वनों को लगाने के लिए सहायक करना। वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना, ये कटनी में चालू हुई थी। संजीवनी आयुर्वेद औषधीय पौधों का विपणन के लिए। ग्रीन इंडिया मिशन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन चली थी। इसमें लैंडस्केप्स एवं कॉरिडोर शामिल किए गए थे। इसमें शामिल है पेंच सतपुड़ा कॉरिडोर, कन्या बांधवगढ़ कॉरिडोर, कान्हा पेंच कॉरिडोर, पेंच लैंडस्केप, शिवपुरी ग्वालियर लैंडस्केप, इंदौर उज्जैन लैंडस्केप, खंडवा लैंडस्केप, शहडोल लैंडस्केप, रीवा लैंडस्केप, भोपाल लैंडस्केप, सतपुड़ा लैंडस्केप, राता पानी, नौरा देही पन्ना कॉरिडोर, सतपुड़ा मेलाधार कॉरिडोर, बैतूल लैंडस्केप, इतना ये शामिल है इस योजना के। अब वन प्राणियों के संरक्षण हेतु योजनाएं देख लेते हैं कुछ। मध्य प्रदेश में जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना चली है जो 1973 में चली थी, इसमें 7 संरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश के शामिल किए गए थे, ठीक है। इसमें शामिल था कन्या, बांधवगढ़, पैंच, पन्ना, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा, रातापानी अभ्यारण, ये 7 संरक्षित क्षेत्र शामिल थे। अभिनव योजना चली है जो
2005 में खरमोर एवं सोन चिड़िया संरक्षण के लिए ये चली थी। सिंह पुनर्वास कार्यक्रम देखते हैं, ये चला था एशियाई सिंहों की प्रजाति के संरक्षण के लिए। क्रोनो पालनपुर अभयारण्य शिवपुर में का चयन किया गया था इसके तहत। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गौर की पुनर्स्थापना हुई थी के लिए चला। पन्ना राष्ट्रीय उद्यानों में बाघिन की पुनर्स्थापना 2009 में दो बाघिने लाई गई थी को लाया गया था इसमें। वन जीव संरक्षण कानून बने मध्य प्रदेश में, जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय दंड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान भी शामिल हैं। भू राजस्व संहिता 1956 के कुछ प्रावधान शामिल है। मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण 2004 में बना। प्रथम वन नीति जो 1952 में आई, नई वन नीति 4 अप्रैल 2005 में आई थी, इसमें शामिल थे 2005 में, सॉरी या 2005 दोस्तों, इनमें शामिल थे वनोत्पादन का समर्णीय विदोहन विदोहन वृक्षारोपण को बढ़ावा, अनियंत्रित चराई पर नियंत्रण, वन अपराधों के शीघ्र निवारण, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना इसके इस नई वन नीति के प्रमुख कार्य थे। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड अधिनियम आया 2002 में, इसमें जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी की परिषद 2005 में आई, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के तहत। मध्य प्रदेश में वन संस्थानों की बात करें तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान 1982 भोपाल में है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में, वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र बालाघाट में, वन रजिक महाविद्यालय बैतूल में, उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में, वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास संस्थान ये छिंदवाड़ा में, फॉरेस्ट गार्ड टैनिंग ये चार जगह पर होती, शिवपुरी शिवपुर गोविंदगढ़ अमरकंटक लखनऊ दौन। संजीवनी संस्थान भोपाल में, वन विकास निगम 1975 भोपाल में, इको मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम 2005 में भोपाल में है इसका मुख्यालय। मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर राला मंडल इंदौर में, वन्य जीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र जबलपुर में। चलिए तो दोस्तों, हमने इसमें एमपी स्पेशल का 13वां पार्ट देख लिया। अगले 14वें पार्ट में हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य की बात, एमपी के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है अभयारण्य है वो भी देखेंगे। तो इसे लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं।